Alright friends, so now we are starting a new topic today, and name of the topic is labor. Chapter number 2 hai aapka labor, aur iska theory maine aapko diya hai. Chapter number 2.1, solution book aap nikaliye. This is your solution book mein aapka de rakha hai, page number 2.1. And solution book page number 2.1, and ये आपका दे रखा है solution book page number 2.1 is a labor. Meaning of labor cost, any amount which is paid or payable, any amount which is paid or payable directly or indirectly to the worker is known as labor cost. Any amount which is paid or payable directly or indirectly to the worker is known as labor cost. मेथड फॉर पेमेंट, सबसे पहला आपका आता है पेमेंट बाय रिजल्ट, इसको बोलते हैं प्रीमियम बोनस मेथड. सबसे पहले फ्रेंड्स, एनी अमाउंट, अगर आपने कुछ भी अमाउंट अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सपोज अगर आपने पे किया है वर्कर को, आप सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, प्लस उसके बिहाफ पे आप पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ईएसआईसी करते हैं, अगर आप उसको कुछ भी पे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब किसमें आ जाएगा, इज ए लेबर कॉस्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मेथड्स फॉर पेमेंट, पेमेंट में है पेमेंट बाय रिजल्ट, इसको बोलते हैं प्रीमियम बोनस मेथड. सबसे पहला है मेथड में, दिस इज योर मेथड्स फॉर पेमेंट, उसमें फ्रेंड सबसे पहले आपका आएगा पेमेंट बाय रिजल्ट. पेमेंट बाय रिजल्ट, इसको बोलते हैं प्रीमियम बोनस मेथड. प्रीमियम बोनस मेथड, प्रीमियम बोनस मेथड प्रोफेसर, प्रीमियम बोनस मेथड. ओके, आपको एप्रिशिएट भी करना पड़ेगा वर्कर को समटाइम्स बाय वे ऑफ बोनस. अगर वर्कर कुछ काम करता है, कुछ आपका टाइम सेव करके देता है, तो आपको उसको लाइक यू नो दैट एप्रिशिएट भी करना पड़ेगा. और अपन कैसे एप्रिशिएट कर सकते हैं, वी कैन एप्रिशिएट बाय, देयर आर टू स्पेसिफिक मेथड. वन इज ए प्रोफेसर हालसे एंड सेकंड इज ए प्रोफेसर रोवन. वन इज प्रोफेसर हालसे एंड वन इज प्रोफेसर रोवन. ओके, प्रोफेसर हालसे साहब क्या बोलते हैं कि भाई हमको आप बोनस दो, बोनस आर्स इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड. टाइम सेव्ड, ये किसका मेथड हुआ, प्रोफेसर हालसे. प्रोफेसर हाल से क्या बोलते हैं कि वॉट एवर बोनस इज देयर, बोनस इज 50% ऑफ द टाइम सेव्ड. एंड प्रोफेसर रोवन क्या बोलते हैं, रोवन इज योर टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड. टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड इक्वल टू योर बोनस आर्स. बोनस आर्स क्या रहेंगे, टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड. ओके, तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने करता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 8 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 2.1 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. ओके, आप जरा देखिए तो आपको क्लियर होगा. याद रखिए, फटाफट रिवाइज करिए. व्हाट इज हालसे, हालसे साहब क्या बोलते हैं, हालसे 50% ऑफ टाइम सेव्ड. बहुत सिस्टमेटिक हम लोग जाएंगे इसमें, और एक क्वेश्चन आपको लेबर का मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में. देन रोवन, रोवन इज ए टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इक्वल टू योर बोनस आवर्स. टाइम सेव, टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव इक्वल टू बोनस आर्स. देखिए जरा क्या बोलना चाह रहा है योर क्वेश्चन नंबर वन में फ्रेंड. ए वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब
अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, मैंने आपको क्या बताया था, अंडर द स्कीम ऑफ पेमेंट, पेमेंट बाय रिजल्ट। अगर आपका वर्कर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसको एप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, और नथिंग मोटिवेट, नथिंग एप्रिशिएट, नथिंग मोटिवेट्स लाइक मनी, मनी है तो हनी है, राइट। आपका पैसा ही आपको एप्रिशिएट कर सकता है अगर आपको, तो उसको मनी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट भाई। ए वर्कर टेक्स 6 hours टू कंप्लीट ए जॉब अंडर स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 9 hours, इज वेज रेट इज 1.5 पर आवर, मटेरियल कॉस्ट 16 एंड ओवरहेड रिकवर्ड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब अंडर रो 1 एंड अंडर। सबसे पहले आप निकालिए फ्रेंड्स योर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 9 hours। ए वर्कर टेक्स 6 hours टू कंप्लीट ए जॉब अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड इज 9 hours और एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन इक्वल टू 6 hours, देन टाइम सेव्ड इक्वल टू 3 hours, ओके, देन बोनस आवर्स एच पर हाल से एच पर रोवन, हाल से 50% ऑफ 3 hours, इट मींस 1.5 hours। रोवन टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इज 2 hours, बराबर है। दिस इज 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। व्हाट इज द हाल से, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इक्वल टू आपका क्या होगा, बोनस आवर्स, और यहां टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इक्वल टू योर बोनस आवर्स, ओके। इसको मिलेगा 1.5, इसको मिलेगा 2। अब इनको टोटल वेजेस कितना मिलेगा, कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है अपने को। सबसे पहले आप निकालिए, इट मींस ये हाल से ये रोवन, एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आवर्स इनटू रेट इक्वल टू वेजेस। व्हाट इज द एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स इज 6 hours काम किया है दोनों ने, 6 hours एंड 6 hours, क्योंकि इसने 10 घंटे वाला काम, इन लोगों ने 10 घंटे वाला काम कितने में किया है, 6 hours में। 9 hours इनको अलाउड था, वो काम इन्होंने क्या किया है, 6 hours में। तो यू हैव टू मोटिवेट देम, एंड नथिंग मोटिवेट लाइक मनी, मनी है तो होनी है, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसे मोटिवेट करेंगे, गिव बोनस। कैसे बोनस देंगे, हाल से में बोलो 50% ऑफ टाइम सेव, लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में 50% ऑफ टाइम, और ये टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव, इट मींस 1.5 hours एंड 2 hours इंटू, व्हाट इज द रेट पर आवर, देखो जरा क्या बोल रहे हैं, वेजेस इज 1.5 पर आवर, 1.5 पर आवर, इसका मतलब आपका वेजेज होगा 7.5, 6 प्लस 1.5 इंटू 1.5 विल बी 11.25 एंड 6 प्लस 2 इंटू 1.5 विल बी 12 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेजेस पेबल। ये आपको क्लियर हुआ करें फ्रेंड, दिस विल बी योर एक्चुअल वेजेस पेबल हाल से एंड रोवन, ये आपका
रोवन का वेजेज हो गया, ये आपका हालसे का वेजेज हो गया, सही आंसर हो गया। नाउ कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ जॉब, ओके, इट मींस फाइनल आंसर योर स्टेटमेंट showing factory cost, पहला factory cost रो वन, दूसरा factory cost हालसे एंड रो वन, देन डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 16 रुपीज, वेजेस 12 रुपीज एच पर रो वन एंड 11.25 एच पर दिस। दिस विल बी योर प्राइम कॉस्ट, 16 + 12 = 28, सब कुछ तो आपको प्रिंट करके दे रखा है, 16 + 11.25 = 27.25 इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना दे रखा है फ्रेंड्स? व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड? 150% ऑफ वेजेस, 150% ऑफ 12 एंड 150% ऑफ 11.25। 12 का 1.5 इज 18, 11.25 × 1.5 इज 16.875, 28 + 18 इज 46 एंड 27.25 + 16.875 = 44.125। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? वन बाय वन आई रिपीट। पहले देखो, ए वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, क्वेश्चन नंबर वन हम लोग रीड कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप जरा देखिए क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर वन अपना चल रहा है पेज नंबर 8 पे, आप जरा देखिए सॉल्यूशन आपको दे रखा है पेज नंबर 2.1 पर। ए वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब अंडर स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 9 आवर्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड? स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 9 आवर्स एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग 6 आवर्स, सो देयर इज अ टाइम सेविंग ऑफ 3 आवर्स। अब क्या बोल रहे हैं? द वेज रेट है आपका 1 रुपीज 50 पैसे पर आवर, मटेरियल कॉस्ट 16, ओवरहेड रिकवर्ड 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब रोवन एंड हालसे। हालसे में क्या रहता है फ्रेंड्स? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इक्वल टू आपका बोनस आवर्स। रोवन में क्या रहता है? टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव इक्वल टू बोनस आवर्स, ये 2 आवर्स, ये 1.5 आवर्स। सही आंसर नो फ्रेंड्स। नाउ हालसे में आपने एक्चुअल आवर्स कितना काम किया प्लस आपको बोनस कितना मिला इनटू रेट पर आवर इक्वल टू आपका वेजेस। रोवन में कितने आवर्स आपने काम किया, कितना आपको बोनस आवर्स मिला इनटू रेट पर आवर, आपका क्या हो जाएगा? वेजेस। नाउ स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट रोवन एंड हालसे। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, डायरेक्ट लेबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे, बोलो फ्रेंड्स 11.25 and 12, ये आपका क्या हो जाएगा? That 28 rupees, 27.25 and this and total आपका factory cost आपका आ जाएगा। This will be your factory cost per unit, factory cost per unit of 46 and 44.125। सही है सुनो, 44.125 परफेक्टली क्लियर होना बताइए। हालसे में क्या रहेगा, एक बार रिपीट करिए, हालसे में क्या रहेगा?
50% ऑफ दी टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। रोवन में क्या रहेगा, टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको और क्वेश्चंस तो आपका क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट रिफर क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 8 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 2.2 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 2.2। सही है, सुनो एक एक पॉइंट को आप जरा देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन एन इंजीनियरिंग कंसर्न द एम्प्लॉयज आर पेड इंसेंटिव बोनस इन एडिशन टू देयर नॉर्मल वेजेस। इन एन इंजीनियरिंग कंसर्न द एम्प्लॉयज आर पेड इंसेंटिव बोनस इन एडिशन टू देयर नॉर्मल वेजेस एट द आवरली रेट्स। इंसेंटिव बोनस इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन टू टाइम अलाउड इन टू टाइम सेट। फटाक से बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा मेथड है। रोवन क्या बोलता है, रोवन मेथड क्या बोलता है, टाइम टेकन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव। टाइम टेकन इंसेंटिव बोनस इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन, टाइम टेकन टाइम अलाउड एंड टाइम सेव्ड। टाइम टेकन टाइम अलाउड टाइम सेव। द फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। तीन तरह के एम्प्लॉय हैं अपने पास फ्रेंड्स, एम्प्लॉय एक्स, एम्प्लॉय वाई एंड एम्प्लॉय जेड। ये तीन तरह के आपके एम्प्लॉय हैं, थ्री टाइप्स ऑफ आपके एम्प्लॉय हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक्स, एम्प्लॉय वाई एंड एम्प्लॉय जेड। बोनस आपको पे करना है रोवन, क्योंकि क्या बोला है, इंसेंटिव बोनस इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड टू टाइम सेव। द फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स वाई एंड जेड। आपका नॉर्मल वेजेस एक्स वाई जेड इज 4 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज, कंप्लीटेड यूनिट 6000, 3000, 4800, टाइम अलाउड पर 100 यूनिट 0.8, 1.51, एक्चुअल टाइम टेकन 42, 40, 48। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉर ईच एम्प्लॉय द अमाउंट ऑफ बोनस, द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव्ड, द टोटल वेजेस कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ बोनस, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोनस। और बोनस में मेथड आपका क्या है, इजे रोवन। तो वन बाय वन गो वेरी सिस्टमेटिक। ओके, पहले आप जरा लिख लीजिए, दिस इज गिवन। कौन कौन से वर्कर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से वर्कर्स हैं हमारे पास, वर्कर्स हैं हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। कौन कौन से वर्कर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 6000 यूनिट्स, then 3000 units, then 4800 units, all right। एक 100 units को बनाने में 100 units को बनाने में 100 units को बनाने में आपको टाइम लगता है, टाइम अलाउड पर 100 यूनिट्स 0.8, 1.5 एंड 1 आवर। इट मीन्स टोटल आपका टाइम लगेगा 48 आवर्स, इट मीन्स 45 आवर्स एंड 48 आवर्स। ठीक है, एंड एक्चुअल टाइम टेकन, व्हाट इज एक्चुअल टाइम टेकन,
एक्चुअल टाइम टेकन इज 42 आवर्स, देन 40 आवर्स एंड देन 48 आवर्स. वॉट इज द टाइम सेव? इट मीन्स टाइम सेव, टाइम सेव इक्वल टू 6 आवर्स, 5 आवर्स एंड 11. क्योंकि इसको एक बार अपन देख लेते हैं. इन एन इंजीनियरिंग कंसर्न द एम्प्लॉयज आर पेड इंसेंटिव बोनस इन एडिशन टू देयर नॉर्मल वेजेस एट आवरली रेट. इंसेंटिव बोनस इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन टू टाइम अलाउड ऑफ द टाइम सेव. द फॉलोइंग डिटेल्स आर मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स, एम्प्लॉय वाई एंड एम्प्लॉय जेड. स्टैंडर्ड टाइम अलाउड आपका क्या आ रहा है? 6000 यूनिट्स इंटू 0.8 फॉर एवरी 100 यूनिट्स, इट मीन्स 48. देन 3000, 1.5, 45 एंड देन 4800, 148. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन? एक्चुअल टाइम टेकन इज 42, 40, 48. व्हाट इज द टाइम सेट? 6, 5 एंड 0. ये टाइम 48 अलाउ था, 42 लिया, 6 बच गया. 45 अलाउड था, 40 लिया, 5 बच गया. 48 अलाउड था, 48 लिया, 0 बच गया. नाउ व्हाट इज द बोनस आवर्स? बोनस आवर्स इक्वल टू टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव, टाइम सेव. इट मीन्स फोर्टी टू डिवाइडेड बाई 48 इंटू 6 will be your bonus hours. 42, 48 into 6 is 5.25. 40, 45 and 5. 40, 45 and 5 is 4.44. और यहाँ पे आपका यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोनस आपको कैसे देना है? बोनस आपको देना है, दे रखा है टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव. इसका मतलब कौन सा मेथड हो जाएगा? रोवन. टाइम टेकन 42, टाइम अलाउड 48, टाइम सेव 6, टाइम टेकन 40, 45, टाइम सेव. इसने टाइम सेव, इसको बोनस नहीं मिलेगा. बोनस आवर्स विल बी 5.25 एंड 4.44. अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर वन. स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न्ड. वर्कर्स एक्स, वर्कर वाई, वर्कर जेड. बोनस आर्स यू रिफर नोट नंबर वन. ओके, बोनस आर्स इसको यू कैन टेक एज ए नोट नंबर वन. बोनस आर्स, व्हाट आर द बोनस आर्स? इज 5.25, 4.44. ओके, इनटू व्हाट इज द रेट पर आर? इनटू योर रेट पर आर. व्हाट इज द रेट पर आर?
आपको दे रखा है फ्रेंड्स 4 रुपीज एंड 5 रुपीज, ये आपका हो जाएगा बोनस 5.25 × 4 = 21, 4.44 × 5 = 22.2. यस ब्रो, इस इज आंसर नंबर 1. द टोटल अमाउंट ऑफ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स बोलो. स्टेटमेंट शोइंग बोनस एक्स एंड वाई, जेड को नहीं मिलेगा. आर्स वी हैव कैलकुलेटेड, बोनस आर्स 5.25, 4.44, रेट पर आ रहे 4 रुपीज एंड 5 रुपीज, 21 एंड 22. दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस रिसीव्ड, इट मींस आंसर नंबर 2. स्टेटमेंट शोइंग वेजेस, वेजेस टोटल वेजेस कितना मिलेगा इनको, टोटल इट मींस वर्कर एक्स वाई जेड, वर्कर्स एक्स वाई एंड जेड एक्चुअल आर्स, बोनस आर्स इनटू रेट इक्वल टू वेजेस. एक्चुअल आर्स, व्हाट आर द एक्चुअल आर्स, एक्चुअल आर्स इज 42, एक्चुअल आर्स इज 40, एक्चुअल आर्स इज 48 प्लस बोनस 5.25, 4.440 इनटू रेट पर आर, रेट पर आर आपका आ जाएगा 4.56, इट मींस 42 प्लस 5.25 इनटू 4 इज 189 रुपीस, रुपीज 189, 40, 4.44 इंटू 5 इज 222.2, देन 48 इंटू 6 इज 288. यस, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर वर्कर एक्स वाई एंड जेड 42, 40, 48, ये बोनस आर्स इनटू रेट पर आर एंड दिस विल बी योर टोटल वेज. थर्ड में क्या पूछ रहा है, दैट वेजेस ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट. इनको वेजेस मिला टोटल आपका 189, 222 एंड 288. अब एवरी 100 यूनिट्स के लिए व्हाट इज योर वेजेस, वेजेस फॉर 100 यूनिट्स, इट मींस आंसर नंबर, आंसर नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज आंसर नंबर 3. स्टेटमेंट शोइंग वेजेस एवरी 100 यूनिट्स, वर्कर एक्स, वर्कर वाई, वर्कर जेड, वेजेस डिवाइडेड बाई आउटपुट इनटू 100 यूनिट्स इक्वल टू वेजेस पर 100 यूनिट्स. ओके, what your wages,
182 and 288, उसमें आपने कितना प्रोडक्शन किया है? 6000 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया है, 3000 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया है, 4800 यूनिट्स इनटू 100 यूनिट्स इनटू 100 यूनिट्स इनटू 100 यूनिट्स टोटल विल बी 189 डिवाइडेड बाय 6000 इनटू 100 विल बी 3.15 पर 100 यूनिट्स. देन 222.2 डिवाइडेड बाय 3000 into 100 will be 7.41, and 288 divided by 4800 into 100 is 6 rupees. Say yes or not. ये आपका आ जाएगा, तीन टाइप के वर्कर हैं, X, Y and Z. 189 for 6000 तो 100 के लिए कितना, 222 for 3000 तो 100 के लिए कितना, 288 for 4800 तो 100 के लिए. Are you following or not? Perfectly clear or not? Okay? बताइए proper आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, please tell me. Alright friends, तो इसमें ना अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूँ जहां पे अपने को रिवर्स जाना है, मतलब उल्टा जाके अपन कैसे सॉल्व करेंगे ना, उसको जरा देख लीजिए करके ना. जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बुक में पेज नंबर 8 इन क्वेश्चन बुक और सॉल्यूशन बुक में आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री पेज नंबर 2.3 इन सॉल्यूशन बुक में और क्वेश्चन बुक में आप जरा देख लीजिए. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिवर्स इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए, राइट? तो आप जरा बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन देख लीजिए, राइट? इन ए फैक्ट्री टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल. इसका मतलब जो मटेरियल है वो दोनों में क्या है, सेम है. टू वर्कर्स है अपने पास ए एंड बी. इन ए फैक्ट्री टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम. वेज रेट जो है दोनों का सेम है, रेट जो है वेजेस का वो सेम है. दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू, सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके. देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम, दोनों का जो वेज रेट है वो दोनों का क्या है, सेम है. दे पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम. रोवन सिस्टम क्या है बोलिए जरा, रोवन मेथड में क्या है बोलो, टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड. अभी जो किया था वही मेथड दोनों फॉलो करते हैं. द टाइम अलॉटेड टू द प्रोडक्ट इज 40 आवर्स, इट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या इतना अलाउड है, 40 आवर्स, ठीक है. एंड 40 आवर्स द टाइम अलॉटेड टू प्रोडक्ट 40 आवर्स टू ए and the time allotted to product is 40 hours. Okay, A takes 25 hours and B ne liya hai 30 hours. Ye inka actual time hai. The factory cost of the product A is 193.75. Iska cost aa raha hai 193.75 factory cost. Aur iska cost aa raha hai 205. Factory cost aa raha hai 205. The factory overhead rate is 1 रुपी पर आर. इसके अलावा आपका फैक्ट्री ओवरहेड है 1 रुपी पर आर. फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट. सही आंसर नो फ्रेंड्स, ऑलराइट फ्रेंड्स. सो द टाइम अलॉटेड टू प्रोडक्ट इज 40 आवर्स है. 40 आवर्स मैंने आपको बताया था. A takes 25 आवर्स, B 50 टू फिनिश द प्रोडक्ट. द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट A इज 193.75 आपका है एंड 205 है. द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 1 रुपी पर में, ये बहुत ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड है 1 रुपी पर आवर.
फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्ट. ओके नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक चीज को पहले अपन क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, पहले गिवन करके लिख लेते हैं अपन ना. क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है पहले वो सब चीजों को अपन गिवन करके लिख लेते हैं. देखो जरा, इट मीन्स दिस इज गिवन. क्वेश्चन नंबर अपना चल रहा है थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन करके आप पूरा लिख लीजिए. देखो क्या बोल रहे हैं, ए फैक्ट्री टू वर्कमैन. ओके इट मीन्स वर्कमैन इज ए एंड बी. द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मेटेरियल्स. मेटेरियल दोनों सेम यूज कर रहे हैं. इट मीन्स मेटेरियल्स सेम यूज कर रहे हैं. यार इज सेम मीन्स दोनों का जो कॉस्ट आएगा वो सेम आएगा. इन ए फैक्ट्री टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मेटेरियल. देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम. इट मीन्स वेज रेट इज ऑल्सो सेम. वेज रेट मीन्स पर आर का जो रेट रहेगा ना उनका, पर आर वेज रेट क्या रहेगा, सेम. दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन सिस्टम. बोनस उनको मिलेगा इज एज पर रोवन. एंड रोवन मीन्स योर टाइम टेकन, टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव. ओके दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोमन सिस्टम द टाइम अलॉटेड टू प्रोडक्ट. इट मीन्स योर स्टैंडर्ड टाइम आपने अलाउ किया है 40 आवर्स फॉर ए, 40 आवर्स फॉर बी. ओके नाउ एक्चुअल टाइम टेकन है आपका इस ए के केस में 25 आवर्स एंड बी के केस में 30 आवर्स. इट मीन्स योर टाइम सेव्ड इक्वल टू 15 आवर्स इक्वल टू 10 आवर्स. बी टेक्स 30 आवर्स टू फिनिश द प्रोडक्ट. फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखी है. फैक्ट्री कॉस्ट है 193.75 एंड 205. एंड आपका फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 1 रुपी पर आर. फैक्ट्री ओवरहेड पर आर इज 1 एंड 1. अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, एक एक पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इन ए फैक्ट्री टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल. दोनों का मटेरियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम. उनका दोनों का वेज रेट भी क्या रहेगा, सेम. दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन सिस्टम. कौन से हिसाब से बोनस पे करेंगे, इज ए रोवन. द टाइम एलोटेड टू प्रोडक्ट इज 40 आवर्स. ए टेक्स 25, बी टेक्स 30. इट मीन्स व्हाट इज द टाइम सेव्ड इज 15 एंड 10. द फैक्ट्री कॉस्ट इज ए 193.75 205 एंड द फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 रुपी पर आर. फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 रुपी पर आर. ये आपको क्या है, ये आपको हो गया गिवन. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स आगे. ऑलराइट इट मींस ये आपका कंटिन्यू करिए ए एंड बी. राइट पहले कंटिन्यू कर लीजिए ए एंड बी. ओके इट मीन्स सबसे पहले आपका बोनस आवर्स. व्हाट इज द टाइम सेव्ड, 15 एंड 10. 25 30 25 30, दिस इज द टाइम टेकन. व्हाट इज द टाइम अलाउड, 40 40. व्हाट इज द टाइम सेव्ड, 15 आवर्स. व्हाट इज द टाइम सेव्ड, 30 आवर्स. इट मीन्स ये आपके बोनस आवर्स 25 40 into 15 is
9.375 3040 इंटू 10 आवर्स इंटू 10 इज 7.5 आवर्स. सही आंसर नो फ्रेंड्स. इट मींस आपको वेजेस मिलेगा, वेजेस आपका रहेगा 25 प्लस बोनस आवर्स 9.375. इट मींस 30 प्लस 7.5 इज 37.5 आवर्स. ये आपका रहेगा 25 9.375. इट मींस 34.375 आवर्स. 37.5 एंड 34.375 फैक्ट्री ओवरहेड. अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान रखना. देखो हम लोग को वेजेस हम लोग पे करेंगे 34.375. क्यों पे करेंगे? क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे बोनस आवर्स है. उसने टाइम सेव किया है, उसने टाइम. यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत बहुत सारे मैंने पेपर चेक किए हैं जहां पे मेरे को पता चलता है कि यार ये मिस्टेक बच्चे ने की है करके. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते करके. आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है आपने एक्चुअल में जो काम किया उसी के ऊपर लगेगा. बच्चे लोग क्या इसको भी इंक्लूड कर ले. फैक्ट्री ओवरहेड कितने आवर्स का लगेगा? 25 इंटू 1 25 रुपीज और 30 इंटू 1 30 रुपीज फैक्ट्री. लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं 34.375 आवर्स ले. नहीं, दिस इंक्लूड्स बोनस आवर्स. बोनस पे कैसा लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड? आपने कितने घंटे काम किया? आपने 25 एंड 30 आवर्स काम किया है तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेगा? 25 एंड 30 का. ओके, एंड आपको फैक्ट्री कॉस्ट तो दे ही रखा है इज 193.75 एंड 205. ओके, अब आप आ जाइए. सपोज आप ले लीजिए योर मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स एंड आपका वेजेज रेट पर आर इक्वल टू वाई. मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स एंड वेज रेट पर आर इक्वल टू वाई. ओके, व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? इट मींस इक्वेशन आपका बनेगा एक्स इज ए मटेरियल कॉस्ट. व्हाट इज द वेज? वेजेज इज पेबल 34.375 एंड 37.5. 34.375 y. y इज द रेट पर आर. ओके, ये आपके आर्स हुए x प्लस दूसरा आपको दे रखा है 37.5 आर्स. 37.5 y प्लस व्हाट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाला था. फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाला 25 रुपीज एंड 30 रुपीज. 25 रुपीज एंड 30 रुपीज. 25 एंड 30 रुपीज और ये मिलके आपका आ रहा है 193.75 एंड 205. ओके, फाइंड द नॉर्मल वेज रेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट. ओके, ये आपका हो गया. इसको और अपन इजीली कर सकते हैं सॉल्व. एक्स प्लस 34.375 y इक्वल टू 193.75 माइनस 25 इज 168.75 एंड देन x प्लस 37.5 y इक्वल टू 205 माइनस 30 इज 175. x and x get cancelled. 34.375 minus 37.5 is 3.125 y equal to 168.75 minus 175 is 6.25. it means y equal to 6.25 divided by 3.125. So 6.25 divided by 3.125 equal to 2 rupees. Y equal to 2 rupees. It means X plus 34.375 y into
इक्वल टू 168.75, सो x इक्वल टू 34.375 इंटू 2 माइनस 168.75 इज x इक्वल टू 100. इट मीन्स दिस इज y एंड दिस इज, इट मीन्स क्या पूछा आपने से, फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस. इट मीन्स वेजेस रेट आपका आएगा, वेजेस रेट आपका आएगा टू रुपीज पर आर और मेटेरियल कॉस्ट आपका आएगा, मेटेरियल कॉस्ट आपका आएगा 100 रुपीज. मेटेरियल कॉस्ट आपका क्या आएगा 100 रुपीज. सही है, सुनो बोलो, आपका मेटेरियल कॉस्ट आएगा 100 रुपीज. क्या किया हम लोगों ने, मेटेरियल कॉस्ट लिया x, वेज रेट लिया पर आर y. x इज ए मेटेरियल कॉस्ट आपका हो गया 34.375, 37.5 y. ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेटेरियल कॉस्ट, ये आपका हो गया लेबर कॉस्ट, ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, और मिलके आपका हो गया फैक्ट्री कॉस्ट. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड आपका हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 25, 30 एंड टोटल कॉस्ट मिला के इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. वेज रेट आया आपका 2 रुपीज एंड मटेरियल कॉस्ट आया 100. और इसको अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वेरीफाई योर आंसर, इसका मतलब जो कॉस्ट शीट बनेगा वो आपका टैली होना चाहिए. जो भी आपका कॉस्ट शीट बनेगा ना, जो भी आपका कॉस्ट शीट बनेगा वो कॉस्ट शीट आपका क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए. ओके, तो कैसे इसको या आपका आंसर तो यही खत्म हो गया. अगर आप ये दो आंसर करेंगे ना तो आपका काम खत्म हो गया. आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट. आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया, आपका जो आंसर है वो आपका यहीं पे खत्म हो गया. लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, दिस इज योर एक्स्ट्रा, मैं आपको सिखाता हूं एक्स्ट्रा. इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन टेबल, वेरिफिकेशन टेबल, वेरिफिकेशन टेबल. कौन कौन से वर्कमैन है अपने पास, ए एंड बी. कौन कौन से वर्कमैन है अपने पास, बोलो, वर्कमैन ए एंड वर्कमैन बी. वर्कमैन ए एंड आपके पास वर्कमैन है बी. इट मीन्स योर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर, कितने आर्स हैं आपके पास, 34.375, 37.5. व्हाट इज द रेट पर आर, 2 रुपीज. 34.375 into 2, 68.75, 37.5 into 2 is 75. ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट. देन यू गो टू इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स. व्हाट आर द फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितने आवर्स का लगेगा, एक्चुअल आवर्स का 25 and 30 hours. 25 hours into 1 rupee per hour, 25, 30 hours into 1 rupee. ये बहुत ध्यान रखना आप करके ना, बच्चे लोग यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं. और आपका फैक्ट्री कॉस्ट आना चाहिए, आपका फैक्ट्री कॉस्ट आना चाहिए इस, आपका फैक्ट्री कॉस्ट आना चाहिए 193.75 and 205. ये आपका आंसर आना चाहिए. इट मीन्स 100 + 68.75 is 168.75 + 25 is 193.75, 100 + 75 is 175 + 30 is 205.
ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा है, बट यू कैन वेरीफाई योर आंसर। यहाँ ये वाले पॉइंट पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसके लिए मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड जो लगेगा आपको वो एक्चुअल आर्स पे लगेगा। बच्चे लोग क्या करते हैं, ये आर्स को ले लेते हैं और पूरा मिस्टेक कर देते हैं। वो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। सही है, सुनो, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। आपका टोटल, आपका टोटल आएगा 193.75 एंड 205। सही है, सुनो, 193.75 एंड 205। और आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लो जरा ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 9 एंड क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 2.4 इन सॉल्यूशन बुक। ये सॉल्यूशन बुक, ये आपका क्वेश्चन बुक। सही है, सुनो, ये आपका सॉल्यूशन बुक और ये आपका क्वेश्चन बुक। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर होना। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, ए जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड इधर थ्रू वर्कमैन ए और बी। ए जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड इधर थ्रू वर्कमैन ए और वर्कमैन बी। ए टेक्स 32 आवर्स टू कंप्लीट, ये 32 आवर्स लेता है कंप्लीट करने में, एंड बी टेक्स 30 आवर्स, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम टू फिनिश द जॉब इज 40 आवर्स, दोनों को स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स है। द स्टैंडर्ड टाइम टू फिनिश द जॉब इज 40 आवर्स, द आर्ली वेज रेट इज सेम फॉर बोथ द वर्कर्स। इसका मतलब जो आपका रेट है वेजेस का, वो दोनों के लिए क्या है, सेम, पहले की तरह सेम। इन एडिशन वर्कमैन ए इज एंटाइटल टू रिसीव द बोनस अकॉर्डिंग टू द, ये हालसे से इसको बोनस मिलेगा, जो भी आर सेव करेगा उसका बोनस क्या मिलेगा, हालसे। एंड बी इज पेड एच पर रोवन, इसका मतलब मिक्स कर दिया इसने, ये रोवन और ये हालसे। द वर्क्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द जॉब इज 7 रुपीज 50 पैसे पर आर, ये जरा ध्यान रखना, ये 7.5 into 32, ये आप जरा ध्यान रखना, 7.5 into 32, 7.5 into 30। द फैक्ट्री कॉस्ट इज 2600, फैक्ट्री कॉस्ट इज 2600। फाइंड द आवरली वेज रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री कॉस्ट। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट बना के हम इसको वेरिफिकेशन टेबल भी दे सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, एक ही डिफरेंस है, वहां पे ओनली रोवन से था पहले वाले में, यहाँ पे आपको हाल से और रोवन दोनों से करके बताया गया। ओके, तो पहले अपन गिवन करके लिख लें फ्रेंड्स, क्या क्या अपने को दे रखा है, वापस से पूरा क्वेश्चन अपन रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ए जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड इधर थ्रू वर्कमैन ए, दिस इज योर वर्कमैन ए एंड बी, यू कैन राइट नोट नंबर 1। ए टेक्स 32 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, बी 30, द स्टैंडर्ड टाइम टू फिनिश इज 40 आवर्स। इट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज 40 आवर्स
एक्चुअल टाइम इज 32 and 30 hours. 32 and 30 hours. Time saved is 8 hours and 10 hours. It means बोनस आवर्स इक्वल टू, अब बोनस इसको क्या मिलेगा, हाल से, ये हाल से वाला है, हाल से, और सेकेंड वाला है रो वन. इट मीन्स 50% of 8, इट मीन्स 4 hours and 30 divided by 40 into 10 is 7.5 hours. 7.5 hours. तो आपका वेजेज हो जाएगा एक्चुअल आवर्स प्लस बोनस आवर्स. What are the actual hours? 32 plus bonus 4 is 36. 30 plus 7.5 is 37.5. ये आपका क्या हो जाएगा? बोनस. सही है सर. 36, 37.5. अब उसके बाद आ जाइए फ्रेंड्स, आपको क्या दे रखा है? The standard time to finish the job is 40 hours. The hourly wage rate is same for both the workers. In addition, worker A is entitled to receive a bonus according to the halse 50% of saving, while B is paid bonus as per the rowan. The work's overhead absorbed on the job is 7.5 per hour. It means factory overhead. ये वाला आप जरा ध्यान रखना. Actual hours worked आएगा आपका. Actual hours worked into 7.5. What are the actual hours worked is 32 into 7.5. It means 30 into 7.5 is 225, and 32 into 7.5 is 240. The works overhead are absorbed on job 7.5 per hour. The factory, okay, 240 and 225. The factory cost of the job is, this is your factory cost, and factory cost is 2600 and 2600. The factory cost of the job is 2600 irrespective of worker engaged. Say yes or no. Okay. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आप मेरे को बताइए. 40 आवर्स एंड 40, 32, 30, ये आपका सेव, ये आपका बोनस एज पर हाल से, एज पर रोवन, ये आपका वेजेस, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल आवर्स इनटू बोनस, ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल आवर्स वर्क, ये जरा ध्यान रखना. और टूट सही है, परफेक्टली क्लियर और नॉट. ओके, पहला अपन ले लेते हैं, दैट्स मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स, लेबर रेट पर आवर इक्वल टू वाई. लेबर रेट पर आवर इक्वल टू वाई, इट मींस एक्स प्लस व्हाट इज द वेजेस इज 36, 37.5y plus factory overhead 240, 225 equal to your factory cost. What is the factory cost? 2600 and 2600.
इट मीन्स एक्स प्लस 36 बाई इक्वल टू 2600 माइनस 240 इज 2360 एक्स प्लस 37.5 वाई इक्वल टू 2600 लेस 225 इज 2375। x and x get cancelled, 37.5 is 1.5 y equal to your 2360 minus 2375 is 15, then y equal to 15 by 1.5 is 10, then x plus 36 into 10 equal to 2360 and then x equal to 2000। It means आपका material cost आपको लगेगा, material cost आपको लगेगा रुपीस, material cost आपको लगेगा is 2000, material cost आपको लगेगा 2000 और आपका लेबर का रेट आएगा आपको 10 रुपीस पर आवर। मटेरियल कॉस्ट आपको क्या लगेगा 2000 और आपका लेबर का रेट आएगा 10 रुपीस पर आवर। पर आवर, पर आवर आपका क्या आएगा लेबर का रेट। ओके क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द आवरली वेज रेट एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट, ऑल्सो शो कॉस्ट अगेंस्ट ईच एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका कोई प्रूफ ना दे रहे, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स, लेबर रेट इक्वल टू वाई, ये मटेरियल कॉस्ट, ये आपका लेबर, लेबर का रेट अपन ने वाई, लेबर के आर्स इंक्लूडिंग बोनस, फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बाई लगेगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट, इक्वेशन को सॉल्व किया, ये आपका वाई का वैल्यू आ गया, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स एंड वाई। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्लस उन्होंने पूछा भी है ईच एलिमेंट के लिए ना, तो अब आप बना दीजिए इसका, दिस इज योर स्टेटमेंट showing cost sheet, job cost sheet आप देख सकते हो। job cost sheet statement saying job cost sheet worker A and B direct cost, direct material, direct labor 2000 direct labor डायरेक्ट लेबर 10 रुपीज पर आर, 36 इंटू 10 रुपीज पर आर 360, 36 इंटू 10 रुपीज पर आर 360 एंड 37.5 इंटू 10 रुपीज पर आर इज 375। ये आपका प्राइम कॉस्ट 2360 2375, इनडायरेक्ट कॉस्ट
फैक्ट्री ओवरहेड 240, 225, 24 इंटू 10, 240 एंड 225, नो नो, व्हाट इज द रेट? इसे निकाला अपन ने 240, 32 एंड 30, 32 इंटू 7.5 एंड 30 इंटू 7.5, 32 इंटू 7.5 इज 40, 30 इंटू 7.5 इज 25, फैक्ट्री कॉस्ट 2360 प्लस 240, 2600, 2375 प्लस 25, 2600. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर. आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो 2600 है. दिस इज 2000 इज ए मटेरियल एलिमेंट, 360 लेबर एलिमेंट, this is factory overhead element and this is your total cost element. So yes or no, perfectly clear or not, bataiye aap. Ekdam proper clear ho raha hai ya nahi ho raha hai, aap mujhe bataiye. Properly aapko clear ho raha hai ya nahi ho raha hai? तो इसमें मेन आपको यही ध्यान रखना है. एक तो ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल आर्स जो वर्कड हुए हैं उनके ऊपर लगेगा. मैंने काफी बच्चों का पेपर चेक किया हुआ है, उनका यही प्रॉब्लम होता है. यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं वो लोग. क्या करते हैं, बोनस आर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं. बोनस पे क्यों लगेगा? बोनस तो आप जो उसने टाइम सेव करके दिया उसके ऊपर आप दे रहे हो ना. बोनस आप किसके ऊपर दे रहे हो? बोनस आप उसके ऊपर दे रहे हो जहां पे आपका टाइम सेव हुआ है. ये आपके दो तरह के प्रकार. ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9. दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक एंड योर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 2.5. दिस इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. ये सॉल्यूशन बुक, ये क्वेश्चन बुक. ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2016, during the first week of April 2016, the workman Mr. Kalyan manufactured 300 articles. What is the production? Is 300 numbers. This is all आपका given information. This is 300 numbers आपने produce किए हैं. During the first week of April 2016, the workman Mr. Kalyan manufactured 300 articles. He receives wages for guaranteed of 48 hours a week at the rate of 4. इसका मतलब 48 hours का into 4. उसको minimum wages क्या मिलेगा? Is a 192. ये हमने उसको worker को guarantee दे दिया कि भाई हमारे यहाँ काम होगा या काम नहीं होगा. हम आपको 48 hours into 4 रुपीज मिनिमम वेजेस आपको दे देंगे 192. अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि वो आएगा? प्रॉब्लम क्या होगा बोलो? प्रॉब्लम क्या होगा कि वो आएगा लेकिन काम नहीं करेगा, बराबर? क्योंकि उसको मालूम है 192 तो मिलने वाले, मैं क्यों काम करूं? आर यू गेटिंग? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2016, द वर्कमैन मिस्टर कल्याण मैन्युफैक्चर 300 आर्टिकल. He receives wages for a guaranteed of 48 hours per week at the rate of rupees 4.
एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल इज 10 मिनट्स. इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 10 मिनट. स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 10 मिनट्स. एंड अंडर द इंसेंटिव स्कीम द टाइम अलाउड इज इंक्रीज्ड बाई 20%. तो 20% और आप इंक्रीज कर दो 2 मिनट्स, इट मीन्स 12 मिनट. कभी कभी क्या रहता ना, वर्कर बोलेगा सर मुझे वॉशरूम जाना है, कार्ड पंच करना है, ये है वो है, उसके लिए भी मुझे खाना खाना है, लंच करना है, उसके लिए टाइम. तो बोले ठीक है 2 मिनट और ले ले, तो 12 मिनट में एक यूनिट बना के दे दे. इसका मतलब 300 यूनिट्स को बनाने में 12 मिनट्स पर यूनिट, इट मीन्स कितने हो गए 3600 मिनट्स. 3600 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स मीन्स 60 आवर्स आपके हो जाएंगे रफली. 10 मिनट्स अंडर द इंसेंटिव स्कीम द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाई 20%. दिस इंसेंटिव टेक्स केयर फॉर द नॉर्मल आइडल टाइम. वही मैंने आपको बोला नॉर्मल आइडल टाइम मीन्स जो आपको लगने वाला है करके ना. कैलकुलेट इज ग्रॉस वेजेस अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क विद गारंटीड वीकली वेजेस, रोवन प्रीमियम एंड हालसे. इसका मतलब पीस वर्क विद गारंटीड, गारंटीड हम 192 दे देंगे प्लस पीस, दोनों में से विच एवर इज हायर, या तो पीस या गारंटी वेजेस. फिर उसके अलावा वो बोल रहा है हालसे और रोवन. हालसे रोवन के लिए तो अपने पास होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, टाइम सेव्ड एंड एवरीथिंग. ओके गो वन बाई वन. दिस इज ऑल गिवन. क्या बोल रहे हैं गिवन, देखो आपका क्या है. दिस इज स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल टू 10 मिनट्स, देन एड नॉर्मल आइडियल टाइम इज 20%, 2 मिनट, इट मीन्स 12 मिनट्स पर यूनिट. ओके पर पीस का रेट क्या आ जाएगा, पर पीस. ओके वी आर पेइंग 4 रुपीज पर आवर, एक घंटे में 60 मिनट्स, एंड योर प्रोडक्शन इज 12 मिनट्स पर आवर पर यूनिट, इट मीन्स 5 यूनिट्स, इट मीन्स दिस कम्स टू 80 पैसे, 80 पैसे, 80 पैसे ये आपका आ जाएगा 80 पैसे पर यूनिट. ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स. बोलो पहला आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना है 10 मिनट्स, नॉर्मल एडेड टाइम मैंने आपको बताया वॉशरूम जाएगा, वर्कर लंच करेगा, कार्ड पंच करेगा, इट मीन्स 2, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 12. पर पीस 4 रुपीज, 60 मिनट्स, 12 मिनट्स पर यूनिट, इट मीन्स 5 यूनिट्स आपके बना सकते हैं. 12 मिनट्स आपको अलाउड है ना, दिस इज 5 मिनट्स, इट मीन्स 5 यूनिट्स आप बना सकते हैं एक घंटे में, और 5 यूनिट्स के लिए हम लोग ये दे रहे हैं. इसका मतलब 80 पैसे पर यूनिट हम लोग आपको पे करने को तैयार है. नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड टाइम, इट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम आपका हो जाएगा 300 आर्टिकल्स हैं इनटू 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, इट मींस 60 आवर्स. देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम इज 48 आवर्स. व्हाट इज द टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड इज 12 आवर्स. 60 में से 48, इट मीन्स 12 आवर्स. देन योर बोनस इक्वल टू हालसे एंड रोवन 50% ऑफ 12, इट मीन्स 6 आवर्स, एंड 48 बाय 60 इंटू 12, इट मीन्स 48 बाय 60 इंटू 12 इज 9.6 आवर्स.
ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 300 यूनिट्स एक को बनाने में 12 मिनट्स वो अपन ने निकाले थे, 60 मिनट से डिवाइड किया, 60 आवर्स आ गए, एक्चुअल टाइम वीक में 48 है, टाइम सेव्ड हमारा 12, बोनस 50% ऑफ 12 6 आवर्स, 48 बाई 60 इंटू 12 इज 9.6। सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है, मुझे बताइए, बोलिए। प्रॉपर, अब आप आ जाइए, क्या क्या है आंसर? ए पहला है आपका, फर्स्ट आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, पीस वर्क विद गारंटीड वीकली वेजेस, इट मींस वेजेस पेएबल इक्वल टू पीस वर्क, पीस वर्क और दिस इज गारंटीड वेजेस, गारंटीड वेजेस 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 192, और पीस वर्कर 300 यूनिट्स इंटू 80 पैसे पर यूनिट निकाला था ना अपन ने, 240 रुपीज, 80 पैसे पर यूनिट अपन ने निकाला था, 80 पैसे पर यूनिट, 300 यूनिट्स बनाए 240, विच एवर इज हायर इट मीन्स 240 रुपीज उसको वेजेस मिलेगा, ये आपका हो गया 240 रुपीज उसको वेजेस मिलेगा, विच एवर इज हायर 192 और 240 विच एवर इज हायर उसको क्या मिलेगा 240। This was your answer number A. Then you go to answer number B. Answer number B and C. साथ में ले लेते हैं. Answer number B and C. Statement showing. Statement showing gross wages. It means A आपका answer B and C. Row 1 and I'll see. Actual hours plus bonus hours into rate equal to wages. Actual hours आपके क्या है 48, bonus hours आपके क्या है 9.6 and 6, और आपका रेट पर आर है, आपका रेट पर आर आपको दे रखा है, रेट पर आर है आपका 4 रुपीस, आपका रेट पर आर क्या दे रखा है 4 रुपीस। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मींस 48 प्लस 9.6 इंटू 4 इज 230.4 and 48 plus 6 into 4 is 21, H per Rowan आपको मिलेगा 230.4, H per Hal से आपको मिलेगा 216। सही है सुनो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप मुझे बताइए, एकदम प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आपका एक्चुअल आर्स हो गए, ये आपके बोनस आर्स निकाले थे, रेट पर स्ट्रेट,
बीएमसी हालसे एंड ग्रो। सही आंसर हालसे एंड ग्रो। बहुत आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं रिवर्स वाला, जरा देखिए। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, ये है आपका पेज नंबर 9 फ्रॉम योर क्वेश्चन बुक। एंड क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्यूशन इसका आपको दे रखा है पेज नंबर 2.6 पर इन सॉल्यूशन बुक। क्या आपका लिखने का काफी टाइम बच जाएगा क्योंकि मैंने सब कुछ प्रिंट करके दे रखा है और दोनों अलग अलग दिए हैं, ताकि क्या जब आप रिवाइज करो तो बिना देखे आप सॉल्व करिए, नहीं तो बच्चे लोग के पास क्या रहता है, नीचे सॉल्यूशन रहता है और वो टिक मारते रहते हैं। इसके लिए मैंने इस बार नया स्टाइल लगाया कि यार ये अलग और ये अलग। सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो, आइडिया आ रहा है फ्रेंड्स आपको क्या बोल रहे हैं। ए बोनस पेड अंडर द हालसे प्लान विद द बोनस एट द 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इक्वल टू द बोनस पेड अंडर। बोनस पेड अंडर द हालसे प्लान विद बोनस एट 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इक्वल टू द बोनस पेड अंडर द रोबन सिस्टम। व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड। योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। The time allowed for a job is 8 hours. The hourly rate is 8. Prepare a statement showing the bonus earned, the total earning of labor and hourly earning. पहला आप 1 का ले लीजिए। Bonus paid under the Halse plan. Halse में हम लोग क्या देते हैं? Halse plan 50% of the time saved equal to the bonus paid under the Rowan system. When will this statement hold good? It means इनको चाहिए आपका indifference point. What is the point where both the workers have a same earning? Okay, it means this is your statement showing indifference पॉइंट। किस किस के बीच में? हाल से इक्वल टू रोवे। हाल से क्या बोलता है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इट मींस टू टाइम टेकन इक्वल टू टाइम allowed। आपका जो टाइम टेकन है वो होना चाहिए टाइम अलाउड। आपका जो टाइम अलाउड है वो होना चाहिए टू टाइम टेकन इक्वल टू टाइम अलाउड। इट मींस आपका जो काम है 50% में अगर हो जाएगा, जो भी आपको टाइम दिया गया है 50% मींस, तो ये अगर ये टू मतलब आपका जो टाइम टेकन है वो हाफ होना चाहिए, आपका जो टाइम अलाउड हो टू टाइम्स होना चाहिए। और इसको अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव द प्रूफ। दिस इज योर आंसर नंबर ए। इसको अपन प्रूफ भी दे सकते हैं। ओके, इट मींस सपोज दिस इज वेरिफिकेशन मींस योर टाइम अलाउड इज 100 hours and time taken. Time allowed is 100 hours and time taken is 50 hours. तो आपका two times हो गया। Time allowed is two times of time taken. It means
टाइम सेव्ड इक्वल टू 50 आवर्स, टाइम सेव्ड इक्वल टू 50 आवर्स। अब आप देख लीजिए बोनस आवर्स, बोनस आवर्स आपके हो जाएंगे हाल से रोवन, हाल से 50% ऑफ 100 इट मीन्स 50 आवर्स, 50 by 100 इंटू 50 is 25 आवर्स, 50% ऑफ 50 आएगा ना फ्रेंड्स, 50 सेव किया ना इज 25 आवर्स। अगर आपका 25 आवर्स, अगर आपका बोनस है दोनों में आलसे और रोवन में, अगर आपका टाइम अलाउड टू टाइम्स ऑफ टाइम टेकन है, इसका मतलब आपका जो बोनस है वो दोनों में क्या आ जाएगा सेम, तो आपका बोनस दोनों में क्या आ जाएगा सेम, बोलो या सुनो, आपका बोनस दोनों में क्या हो जाएगा सेम। ये आपका हो गया आंसर नंबर ए, मीन्स ये विद वेरिफिकेशन भी होगा, ये आपका वेरिफिकेशन पार्ट में आपको बता दें। अब नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स, द आवरली रेट इज 8, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्न, द टोटल अर्निंग ऑफ लेबर एंड आवरली अर्निंग अंडर द हालसे सिस्टम रोवन सिस्टम फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। मीन्स अगर मैं आपको 8 आवर्स देता हूँ और आप 7 आवर्स लेते हो, 6, 5, 4, 3, तो आपका बोनस कितना होगा पूछ रहे, आपका टोटल अर्निंग कितना होगा और आपका आवरली अर्निंग कितना होगा। ओके तो आप आवाजिए फ्रेंड्स, दिस इज स्टेटमेंट showing, statement showing number 1 bonus earned, the bonus earned number 2 the total earning of labor, the total earning of labor and third this is your hourly earning. क्या क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स अपने से, स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्नड, द टोटल अर्निंग ऑफ लेबर एंड आवरली अर्निंग, क्या क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। पहला, सबसे पहले आप ले लीजिए टाइम अलाउड, देन यू टेक टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, राइट, टाइम सेव्ड, देन बोनस, then total earning and then hourly earning.
बोनस बोनस आवर्स इनटू रेट, एक्चुअल आवर्स बोनस आवर्स इनटू रेट, वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। राइट, जैसे सपोज हम लोगों ने 8 आवर्स अलाउ किए, 7 आवर्स लिया, 1 हो गया से। बोनस आवर्स एज पर हाल से और एज पर रोबन। फिफ्टी% ऑफ टाइम सेव, टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव। हाल से रोवन। अब 8 आवर्स अलाउड था, 7 आवर्स लिया, 1। 50% ऑफ 1.5 इंटू 8 4 रुपीज। देन टाइम टेकन 5, टाइम टेकन 7, टाइम टेकन 7, अलाउड 8 इंटू सेव्ड 1 इंटू सेव्ड 1, 7/8 इज 0.875 इंटू 8, 0.875 इंटू 8 इज 7। सही है सुनो प्लीज। अब 7.5 into 8 is 60. 7.875 into 8 is 63. 60 divided by 7 or 63 divided by 7. 60 divided by 7, 8.57. 63 divided by 7 is 9 rupees। एक एक पॉइंट को आप आराम से बड़े ध्यान से, 8 आवर्स अलाउड थे, 8 आवर्स में से कितना लिया, 7 आवर्स, 1 आवर आपका क्या हो गया सेव, 50% आपको बोनस मिलेगा 4 रुपीज, 0.875, 7 divided by 8 into 1, टाइम टेकन, टाइम अलाउड इंटू, ये बोनस आवर्स एक्चुअल आवर्स को ऐड करके इंटू 8, बोनस आवर्स एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। सही है सर, सेम चीज को आप आगे देखिए। चलिए सही है सर, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, बोनस आवर्स इंटू रेट, ये आपका क्या हो जाएगा, बोनस आवर्स इंटू रेट, टोटल अर्निंग एक्चुअल आवर्स बोनस आवर्स इंटू रेट। सही है सर, बोनस टोटल अर्निंग हाल से रोवन, आर्ली अर्निंग हाल से, इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं फ्रेंड्स।
नाउ सपोज आज 8 6 8 5 8 4 8 3 8 2 8 1 सही आंसर होगा, ठीक है। देन दिस इज अलाउड, दिस इज टेकन, दिस इज सेव्ड, 2 3 4 5 6 7 सही है सुनो। बोनस 2 × 50% इज 1 × 8 रुपीज, 6 × 8 × 2 1.5 1.5 × 8 is 12 6 + bonus hours 1 × 8 56 This is all say. This is row 1. 6 + 1.5 × 8. 6 + 1.5 × 8 is 60. I'll say row 1. Fifty-six divided by six. 10 rupees. 56 divided by 6 is 9. Please check your answer. बोलो 8 rupees बोनस, 12 rupees बोनस, टोटल 56, टोटल 60, 9.33 एंड 10 से यस नो परफेक्ट क्लियर आ रहा है आपको आइडिया? बोलो यस और नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑन व्हाट? अब देखो कितना है आर सेव्ड, 3 आर सेव्ड, 3 का 50% 1.5 5 by 8 into 3 1.875 It means 1.5 × 8 1.5 × 8 is 12 rupees 1.875 × 8 1.875 × 8 is 50 5 + 1.5 × 8 5 + 1.5 × 8 is 52 All right, 5 + 1.875 × 8 5 + 1.875 × 8 is 55 Yes,
52 डिवाइडेड बाय 5, 55 डिवाइडेड बाय 5, 55 डिवाइडेड बाय 5 इज 11, 52 डिवाइडेड बाय 5 इज 10.4. देख लीजिए अब जरा बोनस क्या आ रहा है आपका 5 आवर्स में 12 एंड 15, 52, 55, 10.4 एंड बोनस 4 आवर्स सेव हो गए आपके, इट मींस 4 का 50% इज 2 आवर्स, 2 इंटू 8 60, 4 बाई 8 इंटू 4 2 आवर्स, 2 इंटू 8 इज 16, तो 4 प्लस 2 इंटू 8 48, 4 प्लस 2 इंटू 8 48, 48 by 4 is 12, 48 by 4 is 12, बोलो या सुनो, 8 hours allowed थे, ध्यान से सुनिए जरा ना, 8 hours allowed थे, 4 लिए, तो कितना save हो गया, 4, 4 का 50% हो जाएगा, 2 hours, 2 का 8 rupees के हिसाब से 16, 4, 8, 4, 2, ये 16, ये आपका एक्चुअल वेजे, ये आपका एक्चुअल वेजे और ये आपका आवरली वेजे। और मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में अगर आपका टाइम अलाउड इज टू टाइम्स ऑफ टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन ये टाइम, तो दोनों का जो आवरली रेट है वो क्या आएगा सेम, दोनों का जो बोनस है वो क्या आएगा सेम, दोनों की जो अर्निंग है वो क्या आएगी सेम। अगर आपका ये आपका इंडिफरेंस पॉइंट हो गया, जो पहला वाला क्वेश्चन था ना वो आपका क्या हो गया इनडिफरेंस पॉइंट हो गया, परफेक्टली क्लियर होना, टेबल आपको क्लियर हो रही है कि नहीं बोलो। 8 था, 3 टेकन किया, 5 बचा दिए, इट मींस 5 का 50% 2.5 आवर्स बच गए, 2.5 into 8 is 20, 5, 3 by 8 into 5, 3 by 8 into 5 is 1.875 into 8 आपका हो जाएगा 52, इट मींस 3 प्लस 2.5 into 8 is 44, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 प्लस 1.875 into 8 is 39, 44 divided by 3 hours, 44 divided by 3 hours is 14.67 and 39 divided by 3, 39 divided by 3 is 13 rupees, yes, 14.67 30, जरा दिस इज योर 20, देन दिस इज योर 15, दिस इज योर 44, दिस इज योर 39, दिस इज योर 14.67 एंड दिस इज
से या स्मॉल हाल से टू. व्हाट इज द टाइम सेव सिक्स. सिक्स का 50% इज थ्री. थ्री इंटू एट 24. टू बाई एट इंटू सिक्स इज 2/8 इंटू सिक्स इज 1.5. 1.5 इंटू एट इज 12. इज 12. 2 प्लस 3 इंटू 8 40. 2 प्लस 1.5 इंटू 8. 2 प्लस 1.5 इंटू 8 इज 28. 40 डिवाइडेड बाय 2 20. एंड 28 डिवाइडेड बाय 2 इज 40. देख लीजिए आप जरा. अगर आपके 2 आवर्स आपने टेकन किए, 6 बचा के दिए, बोनस हो जाएगा 24, या आपका बोनस 12, या आपका 40, या आपका 28, या आपका 20 रुपीज पर आवर, और या आपका 14 रुपीज. हाँ से बोनस आर्स 7 50% इज 3.5. 3.5 इंटू 8. 3.5 इंटू 8 इज 28. रो वन 1/8 इंटू 7. 1/8 इंटू 7 इज 0.875. 0.875. 0.875 इंटू 8 7. यस फ्रेंड्स. देन 1 प्लस 3.5 इंटू 8. 1 प्लस 3.5 इंटू 8 इज 36. 1 प्लस 875 इंटू 8. 1.875 इंटू 8 इज 15. 36/1. 36 and 15/1 is 15. Say yes or no, friends. 28, 7, 36, 15, 36. मतलब है कुछ नहीं, मतलब लेकिन एवरीथिंग कवर कर दिया उसने करके ना. है कुछ नहीं लेकिन एवरीथिंग कवर कर दिया उसने क्वेश्चन के अंदर. सही है, सुनो फ्रेंड्स. एवरीथिंग उसने कवर कर दिया पूरा क्वेश्चन के अंदर करके ना, ऑल पार्ट्स करके. ये वाला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दोनों के अंदर आपका जो वही तो अपन ने प्रूफ किया था ना अभी. अगर टू टाइम्स है आपका टाइम टेकन से टाइम अलाउड टू टाइम्स है, तो हाल से रोवन में आपको क्या आएगा, इन डिफरेंस. बोनस भी सेम, अर्निंग पर आवर भी सेम और टोटल अर्निंग भी सेम. अगर आपका ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि डिफरेंस बताइए. यही तो अपन ने किया था ना यहाँ पे, टू टाइम्स आपका होना चाहिए करके ना. बोनस आर हाल से एंड रोवन अगर टू टाइम्स है, 50 की जगह 100 किया है, दोनों को जो बोनस आएगा, जो दोनों को बोनस आएगा वो आपका क्या रहेगा, सेम.
सही आंसर ओके इतना करिए आप। हाँ फ्रेंड्स।